नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पाथफाइंडर पे स्वागत है। मेरा नाम है इम्तियाज अहमद। हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने पे। हमने देखा कि कैसे क्वेश्चंस में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले जाते हैं और कैसे इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले जाते हैं और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले जाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो भी हम फैक्टर्स निकाल लें उनका सम क्या होगा, उनके रेसिप्रोकल का सम क्या होगा, उनके फैक्टर का प्रोडक्ट क्या होगा, और कुछ बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम पे। इससे पहले अगर आप सभी ने इस टेलीग्राम लिंक को दोस्त ज्वाइन नहीं किया है तो यहां से फटाफट आप इस टेलीग्राम लिंक को अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे आपको सी सेट के नोट, सी सेट की पीडीएफ, क्लास का अपडेट सब कुछ मिलेगा। तो अगर आपको सी सेट पास करना है तो ये टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि अग्निपथ 7099 वाला बैच आप इनरोल कर सकते हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, जिसमें हम 900 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस ले रहे हैं, जिसमें हम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए कवर कर रहे हैं। आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल रहा है, जहां सी सेट भी पढ़ाया जाएगा, जीएस फर्स्ट सेकेंड पेपर। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जो कोड अप्लाई करना है दोस्त, IA10, इस कोड को बिल्कुल ना भूले। ये कोड आप लगाए IA10 और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। मैंने कल की, अगर आप देखिए, नंबर सिस्टम का प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपने बेसिक से, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया हूं, अगर आपने बेसिक से क्लासेज स्टार्ट नहीं की है, फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, जाइए लेक्चर नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 सब पढ़े हुए हैं, आप वहां से उसको स्टार्ट करिए। डिजिटी रूल मैंने बता दिया, नंबर ऑफ सिस्टम बता दिया, नंबर ऑफ फैक्टर्स बता दिए, है ना, ये सारी चीज मैंने बता दी है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स भी हमने बता दिया है। चलिए आज बात हम करने जा रहे हैं, क्या बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द नंबर 360। कल की क्लास में मैंने क्या बताया था कि आप नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, आप ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, आप इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हमें रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ द फैक्टर्स, एक बार मैं देखिए ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप छोटा सा एक नंबर एज्यूम कर लीजिए 12। मैंने 12 एज्यूम कर लिया, मैंने कहा कि 12 का फैक्टर क्या है सर, मैंने कहा 1 12 को डिवाइड कर रहा है, तो 1 12 का फैक्टर है पक्का, ठीक है सर। फिर मैंने कहा 2 12 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 भी 12 का फैक्टर है, 3 12 को डिवाइड कर रहा है, 3 भी 12 का फैक्टर है, 4 12 को डिवाइड कर रहा है, 4 भी फैक्टर है, 6 12 को डिवाइड कर रहा है, 6 भी फैक्टर है, 12 डिवाइड कर रहा है तो 12 फैक्टर है। तो आपके जो 12 नंबर के फैक्टर है, नंबर ऑफ फैक्टर 6 है, इनका सम नहीं पूछा है, इनका रेसिप्रोकल का सम पूछा है। ठीक है, मतलब पहला फैक्टर 1 है, इसका रेसिप्रोकल 1/1, दूसरा फैक्टर 2 है, इसका रेसिप्रोकल 1/2, तीसरा फैक्टर 3 है 1/3, चौथा फैक्टर 4 है 1/4, पांचवा फैक्टर 6 है 1/6, नेक्स्ट 1/12। देखिए रेसिप्रोकल मैंने कर दिया, आपको कभी भी क्वेश्चंस में पूछ रहा हूं, कोई भी क्वेश्चंस घुमा के पूछे रेसिप्रोकल सम ऑफ द वेक्टर निकालो, प्रोडक्ट निकालो, आप एक छोटा सा एज्यूम कर लो दोस्त, एक छोटा सा एज्यूम कर लो, आप खुद कॉन्सेप्ट बना लोगे, है ना। मैंने छोटा सा नंबर 12 एज्यूम कर लिया, आप 8 एज्यूम कर ले, 24 एज्यूम कर ले, कुछ भी एज्यूम कर ले। मैंने देखा कि 12 को डिवाइड करने वाला 1 है, 1/12 का फैक्टर है, 2/12 का फैक्टर है, 3/12 का फैक्टर है, 4 भी डिवाइड कर रहा है। अब मैंने इसका रेसिप्रोकल कर लिया 1/1, 2 को 1/2, 3 को 1/3, 4 को 1/4। अब मैं यहां पे एलसीएम लूंगा 12, रेसिप्रोकल करके सम कर दिया, तो 1/12 से आ जाएगा 12 प्लस 2/12 से आ जाएगा 6, 3/12 से आ जाएगा 4, 4/12 से आ जाएगा 3, 6/12 से आ जाएगा 2, 12/12 से आ जाएगा 1। सर ये तो छोटा नंबर था 12, तो आपने ऐसे कैलकुलेट कर लिया। अगर नंबर बहुत बड़ा है, 5000 है, उसके रेसिप्रोकल सम ऑफ द फैक्टर निकालिए, 7000 है, उसके रेसिप्रोकल सम का फैक्टर निकालिए, 8000 है, रेसिप्रोकल सम ऑफ फैक्टर निकालिए। ये तो छोटा नंबर है, 12 है, तो आपने निकाल लिया। तो यही तो मैं समझा रहा हूं कि अगर जो भी नंबर आएगा, 1, 2, 3, 4, 6 12 क्या है, 1, 2, 3, 4, 6 12 ये इसके फैक्टर हैं। तो आपने एक आइडेंटिटी बना ली कि सम ऑफ द फैक्टर्स होगा,
जो भी फैक्टर्स आएगा उसका सम होगा, यही तो कह रहा है। देखो इस लाइन को पढ़ो ध्यान से, 1 2 3 4 6 12, यहां पे देखिए 1 2 3 4 6 12, तो जितने भी फैक्टर आएंगे चाहे नंबर छोटा हो चाहे नंबर बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने भी फैक्टर्स होंगे न्यूमरेटर में उस फैक्टर का सम। मैंने तो एक छोटा नंबर लिया है, आप अगर 20,000 लेंगे कि 20,000 के रेसिप्रोकल सम ऑफ द फैक्टर क्या आएगा, तो आप 20,000 के फैक्टर निकालिए, फिर ऊपर उसका सम, फिर ऊपर उसका न्यूमरेटर में उसका सम, नीचे डिवाइड में डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया है, ये बन गया दोस्तों नंबर, ये बन गया, खत्म बात, खत्म। आपने बता दिया कि रेसिप्रोकल सम ऑफ द वेक्टर्स क्या है। अगर यही क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट में आ जाए तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप अगर छोटा सा नंबर लेके एज्यूम कर लें कि नंबर 12 है, नंबर 24 है, नंबर 36 है, इसके रेसिप्रोकल सम ऑफ द फैक्टर क्या होगा। तो मैंने क्या किया कि सम ऑफ द फैक्टर्स, ऊपर जो भी नंबर है उसका सम ऑफ द फैक्टर्स होगा, नीचे डिवाइड बाई नंबर, ये फॉर्मूला है रेसिप्रोकल सम ऑफ द वेक्टर्स का। इसको नोट कर लें, इसको बकायदे नोट्स में बनाइए, ठीक है। अब देखिए मैं जैसे क्वेश्चंस कर रहा हूं, व्हाट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द फैक्टर्स, तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें निकालना है कि फैक्टर्स क्या हैं। फैक्टर्स तो 360 के फैक्टर्स निकालिए, फैक्टर्स निकालना मैंने बता दिया बहुत ही आसान है, फैक्टर्स निकालना बहुत ही आसान है, आपको प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर करिए, दो से डिवाइड करिए तो यह आ जाएगा 180, फिर दो से डिवाइड करिए यह आ जाएगा 90, फिर ये दो से डिवाइड करिए यह आ जाएगा 45, फिर ये थ्री से डिवाइड करिए यह आ जाएगा 15, फिर ये थ्री से डिवाइड करिए यह आ जाएगा 5, फिर ये थ्री से डिवाइड करिए यह आ जाएगा 1। तो हमारा 360 जो है वो क्या आ गया, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर कितना है 1 2, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ये आ गया दोस्तों, ये इसका प्राइम फैक्टर आ गया। प्राइम फैक्टर आपसे क्वेश्चन में पूछा है रेसिप्रोकल सम ऑफ द वेक्टर, रेसिप्रोकल सम ऑफ द वेक्टर पूछा है, तो आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको कुछ नहीं करना है। ऊपर मैंने क्या बताया है कि फैक्टर का सम डिवाइड बाई नंबर, मैंने बताया है रेसिप्रोकल सम ऑफ द वेक्टर, अभी बताया है कि न्यूमरेटर में जो होगा फैक्टर जितने भी आ रहे हैं उनका सम और डिवाइड बाय नीचे नंबर। तो 2 की पावर 3 से क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 सारे फैक्टर का सम करिए, जो भी पॉसिबिलिटीज बनती है 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ये आपका पहले से पॉसिबिलिटीज बनेगी। और इसका मैं सम क्यों कर रहा हूं, ऐड हो जाएगा इनटू 3 की पावर 2 से आ जाएगा पॉसिबिलिटीज 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर 2 इनटू 5 की पावर 1 को क्या लिखेंगे, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब यहां ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, सारे फैक्टर की पॉसिबिलिटीज आ जाएगी और बीच में हमने प्लस लगाया है तो सारे फैक्टर का सम बन जाएगा। यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होगा, पावर 3 है 3 से एक ज्यादा 4, 2 है 2 से एक ज्यादा 3, 1 है 1 से एक ज्यादा 2, टोटल नंबर ऑफ जो फैक्टर्स होंगे 24 होंगे। तो यहां पे 24 नंबर का सम है, ये मल्टीप्लाइड होके सारी पॉसिबिलिटीज बना देगा, ऐसे टोटल 24 नंबर बना देगा जो 360 को डिवाइड कर रहा है और बीच में हमने साइन प्लस लगाया है और वो सबको ऐड भी कर देगा। तो ऊपर हमारे जो न्यूमरेटर में पॉसिबिलिटीज है वो जितने भी फैक्टर्स हैं, यानी 360 को जो भी नंबर डिवाइड कर रहा है वो सारे नंबर आ जाएंगे और आपने देख लिया ऐसे टोटल नंबर कितने आएंगे 24, और बीच में साइन प्लस है वो तो सबको ऐड कर देगा। तो रेसिप्रोकल सम ऑफ द वेक्टर फैक्टर निकालने का यही तरीका है कि ऊपर हमें क्या करना है, सारी पॉसिबिलिटीज लेना है फैक्टर का सम और नीचे नंबर, नंबर कितना है 360। अब यहां पे देखिए 2 3 8 प्लस 12 8 प्लस 4 12 14 और 1, ये आ जाएगा 15 इंटू 9 12 1 13, 5 प्लस 1 से आ जाएगा 6,
डिवाइड बाई 360। अब इसको कट कर दें, ये आ जाएगा 60, 15 से कट कर दें, ये आ जाएगा 4, अब ये आ जाएगा 13/4, तो ये आ जाएगा 3.25। रेसिप्रोकल सम ऑफ द वेक्टर का जवाब आ रहा है बी, ऑप्शन बी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है क्योंकि इस बार नंबर ऑफ फैक्टर से दो क्वेश्चंस पूछे गए थे, रेसिप्रोकल सम ऑफ द वेक्टर से पूछा जा सकता है। रेसिप्रोकल सम ऑफ द फैक्टर निकालने का यही तरीका है कि आपको जो न्यूमरेटर में चाहिए, न्यूमरेटर में वो सारे फैक्टर का सम होना चाहिए, सारे फैक्टर का सम होना चाहिए, डिवाइड बाय नीचे जो होनी चाहिए वो नंबर होनी चाहिए कि वो नंबर क्या है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया दोस्तों तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। और यहां पे मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, ये आपको कमेंट में जवाब देना है, प्लीज कमेंट में जरूर जवाब दे। व्हाट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑल फैक्टर ऑफ द नंबर 420। देखो नंबर मैंने बहुत अच्छा लिया है। व्हाट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, कॉन्सेप्ट यही है। व्हाट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, व्हाट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द नंबर 420। 420 के रेसिप्रोकल सम ऑफ द फैक्टर क्या होंगे। ठीक है, ये आपको जवाब देना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं एक बार और भी दिखा दे रहा हूं आपको, एक बार और, कि अगर मैं 24 का रेसिप्रोकल सम ऑफ द फैक्टर निकालूं, है ना, एक बार इस फॉर्मूले को और देख लीजिए, 24 के रेसिप्रोकल सम ऑफ द फैक्टर निकालूं तो क्या वो सम ऑफ द फैक्टर डिवाइड बाय नंबर ऑफ से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 24 को कौन डिवाइड कर रहा है, 1, 24 को कौन डिवाइड कर रहा है, 2, 24 को कौन डिवाइड कर रहा है, 3 फैक्टर है, 24 को कौन डिवाइड कर रहा है, 4 फैक्टर है, 24 को कौन डिवाइड कर रहा है, 6 फैक्टर है, 24 को कौन डिवाइड कर रहा है, 8 फैक्टर है, 24 को कौन डिवाइड कर रहा है, 12 फैक्टर है, 24 को कौन डिवाइड कर रहा है, 24 फैक्टर है। ठीक है, ये नंबर आ गए। अगर मैं इनके रेसिप्रोकल का सम निकालूं, 1/1 प्लस 1/2, जो भी फैक्टर है उसका सम रेसिप्रोकल, 1/3 प्लस 4 है तो 1/4 प्लस 6 है तो 1/6, 8 है तो 1/8, 12 है तो 1/12, 24 है तो 1/24। इसके जितने भी फैक्टर थे, उसका मैंने रेसिप्रोकल कर लिया दोस्तों, है ना, रेसिप्रोकल कर लिया। अब इन सब में एलसीएम कितना है, 24 एलसीएम ले लो, तो 1 डिवाइड बाई 24 से आ जाएगा 24 प्लस 2 डिवाइड बाई 24 से आ जाएगा 12, 24 डिवाइड बाई 3 से आ जाएगा 8, 24 डिवाइड बाई 4 से आ जाएगा 6, 24 डिवाइड बाई 6 से आ जाएगा 4, 24 डिवाइड बाई 8 से आ जाएगा 3, 24 डिवाइड बाई 12 से आ जाएगा 2, 24 डिवाइड बाई 24 से आ जाएगा 1। देखिए जितने भी फैक्टर है, 1 फैक्टर है सम किया, 2 फैक्टर है सम किया, 3 फैक्टर है सम किया, 4 है सम किया, 6 है सम किया, 8 है सम किया, 12 है सम किया, 24 है सम किया। तो आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया कि अगर रेसिप्रोकल सम ऑफ द फैक्टर निकालना है तो ये जो न्यूमरेटर में है वो फैक्टर का सम है, वो क्या है, सम ऑफ फैक्टर्स है, सम ऑफ फैक्टर्स है, और डिवाइड बाय नीचे क्या है दोस्तों, नंबर है जिसका पूछ रहा है, 24 है तो 24। तो रेसिप्रोकल सम ऑफ द फैक्टर निकालने का सबसे मैंने बेहतरीन दिया, आपको कुछ नहीं करना है, उस नंबर के सारे फैक्टर का सम कर देना है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया है उससे आपको डिवाइड कर देना है, और डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया है उससे आपको डिवाइड कर देना है, आपका आ जाएगा। ठीक है, ये पहला चीज है। दूसरा आपसे क्या पूछ सकता है, प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स। देखिए पहले सीधे सीधे पूछेगा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है, इवेंट नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है, स्क्वायर नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है, क्यूब नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है। अगर इसको क्वेश्चंस को घुमाना है तो कहेगा कि जो भी फैक्टर आ रहे हैं उनके रेसिप्रोकल का सम क्या है, वो मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है कि कोई भी नंबर दिया होगा, कहेगा कि इसके जो फैक्टर हैं इनका प्रोडक्ट क्या होगा, जैसे ये 24 है, 24 तो ये इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए, ये फैक्टर्स आ गए, कह रहे कि इनका प्रोडक्ट क्या होगा।
इन सारे, तो अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे 1 × 2 × 3 × 4 × 6 × 8 × 12 × 24, अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाइड करने लगूं टाइम ज्यादा लगेगा, नंबर बड़ा है 24 से ज्यादा बड़ा है, नंबर ऑफ फैक्टर्स और आएंगे, कहां तक प्रोडक्ट करोगे, नहीं कर पाओगे। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है समझिएगा कि 1 × 24 मल्टीप्लाइड हो गया 24, देखिए 24, 2 × 12 मल्टीप्लाइड हो गया 24, 3 × 8 मल्टीप्लाइड हो गया 24, 4 × 6 मल्टीप्लाइड हो गया 24, तो 24 कितना आ गया 1 2 3 4, मींस 24 के पावर 4 आ गया। जो 24 का प्रोडक्ट है वो आपका आ गया 24 के पावर 4। चलिए मैं अगर इसको आसान भाषा में कहूं तो 24 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 24 के नंबर ऑफ फैक्टर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 24 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं 8 नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो नंबर दिया है उसका आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। जैसे 24 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको क्या करना है कि प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर, देखिए मैं आसान भाषा में लिख रहा हूं दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर इज, देखिए यहां पे 24 है, 24 मतलब जो नंबर है, जो नंबर आपको दे रहा है, आपने नंबर लिखा, आपने नंबर लिखा डिवाइड बाय नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाय 2, बन गया, बन गया। देखिए नंबर यहां पे कितना दिया है 24, नंबर आपका दिया है 24 डिवाइड बाय 24 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं 8 डिवाइड बाय 2 कर दे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सो 24 के पावर 4। एकदम आसान भाषा में इम्तियाज सर ने आपको बता दिया, आपको एकदम आसान भाषा में बता दिया कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है और डिवाइड बाय 2 कर दे और जो नंबर पूछा है तो प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर निकल जाएगा। आपको मैंने ये दो चीज बताई दोस्तों, इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा क्योंकि इस बार यूपीएससी सी सेट के लिए हमें सही तरीके से तैयार होना पड़ेगा। रेसिप्रोकल सम ऑफ द फैक्टर निकालने के लिए सम ऑफ द फैक्टर डिवाइड बाय नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर निकालने के लिए जो नंबर दिया है वो लिखेंगे और उस नंबर के टोटल फैक्टर कितने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। नंबर ऑफ फैक्टर निकालना तो बेहद आसान है, आपको प्राइम फैक्टर करना है, पावर में एक एक इंक्रीज कर देते हैं तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल जाता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स और डिवाइड बाय 2 कर दो। चलिए आइए हम देखते हैं, चलिए देखिए, ये मुझे लग रहा है ये ऑप्शन थोड़ा सा इसको करेक्ट करते हैं, 24 के पावर 21, 24 के पावर 20, 24 के पावर 19, ये मैं ऑप्शन थोड़ा सा करेक्ट कर लिया 24 के पावर 18। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल फैक्टर ऑफ द 576, क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है कि 576 के आपको क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं, 576 के क्या निकालने हैं दोस्तों, 576 के फैक्टर्स निकालने हैं और जो भी फैक्टर आएगा उसका प्रोडक्ट करना है, और जो भी फैक्टर आएगा उसका प्रोडक्ट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स निकालने के लिए, प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स निकालने का मैंने बताया है कि नंबर आपका क्या दिया है वो देखिए, नंबर जो दिया है वो देखिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, यही तो बताया है। प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स निकालने के लिए आपको जो नंबर दिया है वो रखिए, उस नंबर के टोटल फैक्टर्स निकालिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का सबसे बेहद आसान तरीका है कि आपको प्राइम फैक्टर निकालना है 576 का, तो 576 का प्राइम फैक्टर निकालिए, 2 से करिए, 2 × 2 = 4, 1 = 17, 2 × 8 = 16, 16 × 1 = 18, फिर 2 से करिए, 2
44, फिर 2 से करिए 122, फिर 2 से करिए 61, क्या आ रहा है बताइए, 576 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, सभी लोग बताएं नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ रहे हैं। 2 से करेंगे कितना आ गया, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन गलती हो गया, एक सेकेंड, 576 के प्राइम फैक्टर कितने आ रहे हैं, आप मेरे साथ करिए, 576 के प्राइम फैक्टर कितने आ रहे हैं, 576, 2 से करिए 2 2 4, 17, 2 8 16, 18 है ना, 2 8 16, फिर 2 से करिए 144, फिर 2 से करिए दोस्तों 72, फिर 2 से करिए 36, फिर 2 से करिए 18, फिर 2 से करिए 9, फिर 3 से करिए 3, फिर 3 से करिए 1, ये आ गया प्राइम फैक्टर। आपको 576 का प्राइम फैक्टर निकालना है, तो ये कितना आ गया, 2 की पावर 2 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 आएगा इनटू 3 की पावर 1 और 2, 3 की पावर 2 आएगा। 576 का जो प्राइम फैक्टर है वो आपका आ गया कि 2 के पावर 6 होगा इंटू 3 के पावर 2 होगा। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, फटाफट बताइए, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना मैंने बताया है, जिसको हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स करते हैं, तो जो पावर 6 है उससे एक इंक्रीज करेगा, ठीक है सर, ये 2 है उससे एक इंक्रीज करेगा, ये भी ठीक है सर, 6 + 1 = 7, 2 + 1 = 3, तो जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है वो 21 आ गया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ गया मेरे भाई, कमेंट में बताइए, 21 आ गया। 576 के नंबर ऑफ फैक्टर्स 21 है, 576 के। तो अब आपको क्या नंबर दिया है, आपको नंबर दिया है 576, नंबर ऑफ फैक्टर्स दिया है 21, नंबर ऑफ फैक्टर्स दिया है 21 डिवाइड बाई 2, नंबर ऑफ फैक्टर्स दिया है 21 डिवाइड बाई 2। अच्छा 576 को यहां पर देखिए 24 के पावर में दिया है, तो आप सभी को पता है कि 576 को हम लिखते हैं 24 के पावर 2, 24 के पावर 2 मीन्स 24 × 24, अगर मैं 24 × 24 करूंगा तो 576 आ जाएगा। आप एक बार करके जरूर चेक कर लें, 4 4 = 16, 4 2 = 8 = 9, 2 2 = 4 = 6, 576। तो मैं लिखूंगा 576 को लिखूंगा 24 के पावर 2, और यहां पे आ जाएगा 21 के पावर 2। 576 को मैंने लिखा 24 के पावर 2, उसके पावर 21 डिवाइड बाय 2, पावर का आपस में चलता है मल्टीप्लिकेशन एडिशन, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो करेक्ट जवाब आएगा 24 के पावर 21, करेक्ट जवाब इसका ए है, 24 के पावर 21, इसका करेक्ट जवाब जो आएगा वो 24 के पावर 21 आ रहा है। क्या बातें समझ में आ गई, बेहद आसान तरीके से मैंने आपको समझाया कि अगर प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर निकालना है वो लंबा प्रोसेस नहीं करना है, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सबसे आसान तरीका बताया कि आपको जिस नंबर का प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर पूछ रहा है आपको वो नंबर लेना है, उसके बाद उस नंबर के टोटल फैक्टर कितने हैं वो चेक करना है, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, बेहद आसान तरीका है नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स निकालने के लिए। अगर रेसिप्रोकल आपके जितने फैक्टर हैं उनके रेसिप्रोकल का सम निकालना है, तो इसके लिए भी मैंने आपको बेहद आसान तरीका बताया कि न्यूमरेटर में आपको लेना है कि इसके फैक्टर के सम, इसके जितने भी फैक्टर हैं और जितनी भी पॉसिबिलिटीज फैक्टर की बन रही है, न्यूमरेटर में उसका सम लेना है और डिनोमिनेटर में उस नंबर को डिवाइड करना है, खत्म काम। बेहद दो आसान तरीका मैंने आपको बताया दोस्तों, इसको प्लीज नोट डाउन करें, आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो लिखिए, इसको प्रॉपर लिखिए, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर देना है, मुझे उम्मीद है कि आप सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल फैक्टर्स ऑफ 64,800। अच्छा इसका ऑप्शन में थोड़ा और अच्छे से लिख दे रहा हूं, पहला ऑप्शन दिया है 64800 की होल पावर 45, 64800 की पावर 44,
64800 की पावर 47, चौथा दिया है नल। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल फैक्टर्स? प्रोडक्ट निकालने का क्या तरीका बताया है कि उस नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, पहले ये तो बताइए। प्रोडक्ट निकालने का मैंने आपको तरीका बताया है, प्रोडक्ट ऑफ द ऑल फैक्टर्स इज आपका नंबर क्या है, आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं डिवाइड बाय, आपका नंबर क्या है, आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं डिवाइड बाय टू। नंबर हमें पता है सर, नंबर हमें पता है, नंबर तो हमें पता है सर, नंबर हमारा 64,800 है। तो फटाफट इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स तो निकालो, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना सर आपने बता दिया है, कैसे, प्राइम फैक्टर करके सर। तो फटाफट प्राइम फैक्टर करते हैं, फटाफट प्राइम फैक्टर करते हैं, 64800 टू से करिएगा 3,2,400। देखिए मैंने नंबर बड़ा क्यों लिया है, क्योंकि आप थोड़ा सा कैलकुलेशन सीखें। यूपीएससी सी सेट के पेपर 23 ने ये बता दिया है कि कैलकुलेशन आपको बेहतरीन तरीके से आना चाहिए, बिना कैलकुलेशन के आप सी सेट क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन पे जरूर काम करिए दोस्तों, 2 से डिवाइड करिए 16,200, फिर 2 से करिए 8,100, फिर आप 9 से कर दें, 3 से कर दें, 2 से कर दीजिए, 3 से कर देते हैं, 3, 2, 6 21,1700, फिर 3 से करिए 900, फिर 3 से करिए, बड़ा कैलकुलेशन है, बड़ा कैलकुलेशन है, 3 फिर करिए 100, फिर 2 से करिए 50, फिर 2 से करिए 25, फिर 5 से करिए 5, फिर 5 से करिए 1। तो आपकी ये आ जाएंगे 64800, 2 की पावर कितना है 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 2 की पावर 5 आ रहा है, 2 की पावर 5 इनटू 3 का पावर कितना है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3 की पावर 4 आ रहा है इनटू 5 की पावर 1, 2, है ना, 5 की पावर 1, 2। एक बार सभी लोग प्लीज देख लें क्या ये सही बन रहा है। 2 की पावर कितना है, 2 करेंगे 3,200, फिर 2 करेंगे 16,2 आएगा, फिर 2 करेंगे 800 आएगा, 3 से करेंगे 27, फिर 3 से करेंगे 900, फिर 3 से करेंगे 300, ठीक है, 3 से करेंगे 100, 2 से 50, 2 से 25, है ना, ठीक है। तो 2 की पावर कितना आ गया, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 2 की पावर 5 आ गया, करेक्ट है सर। 3 की पावर 1, 2, 3, 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2, तो 64,800 का हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिया। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। तो 5 है, 5 से एक ज्यादा, 4 है, 4 से एक ज्यादा, पावर 2 है, 2 से 1 ज्यादा, तो 5 प्लस 1 से 6 आ जाएगा, 4 प्लस 1 से 5 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा। तो 6, 5, 30 × 3 मींस इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए 90। 64,800 को ऐसे 90 नंबर हैं जो डिवाइड कर रहे हैं, वो उसके फैक्टर हैं। अब ये तो पॉसिबिलिटीज नहीं है कि आप वो 90 नंबर पकड़िए और सबका प्रोडक्ट करिए, पॉसिबल ही नहीं है। 2 घंटे भी आपके सी सेट में लग जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये शॉर्ट ट्रिक्स है, ये अप्रोच है, ये इसको जो कहना है वो कह लो। देखो कैसे विथ इन 10 सेकंड में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आपका नंबर कितना है, जो नंबर आपका दिया हुआ है, जो पूछ रहा है 64,800, यही तो दिया है। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना दिया है दोस्तों, 90, नंबर ऑफ फैक्टर्स 90, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 64,800 के पावर 45, पावर 45 करेक्ट जवाब इसका ए ऑप्शन आ गया। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं, प्लीज कमेंट करके बताइए। बेहतरीन 2 कॉन्सेप्ट आज मैंने आपको सिखाया। ठीक है, बेहतरीन 2 कॉन्सेप्ट आज मैंने आपको सिखाया, क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? अगर बातें समझ में आ रही हैं तो एक बार प्लीज यस सर कमेंट जरूर करें। ठीक है, एक बार यस सर कमेंट जरूर करें। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्रोडक्ट। देखिए सारी टाइप्स के क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज है सब करा रहा हूं। प्राइम फैक्टर क्या होगा, इवन फैक्टर क्या होगा, ऑड फैक्टर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर कितने फैक्टर होंगे, परफेक्ट क्यूब के कितने फैक्टर होंगे, जो फैक्टर आ रहा है उसके रेसिप्रोकल का सम क्या होगा, जो फैक्टर आ रहा है उसका प्रोडक्ट क्या होगा, सीधे सीधे इस नंबर में प्राइम फैक्टर कितने हैं ये भी पूछ रहा है। ठीक है, देखिए आपको कह रहा है नंबर दिया है कि 13 के पावर 5 इंटू 24 के पावर 5 प्राइम फैक्टर बताइए इसका। प्राइम फैक्टर कुछ नहीं करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टर तो करो, प्राइम फैक्टराइजेशन तो करो, 2 को 13 से 15, 3 को 5 से, 5 को 1 से, तो ये जो आपका नंबर है वो आ जाएगा 2 इंटू 3 6 इंटू 5 के पावर 5। नेक्स्ट जो आपको प्राइम फैक्टर करना है वो 24 का करना है, 24 का करिए, 24 का करिए 2 से 12, अगेन 2 से 6, अगेन 2 से 3, अगेन 3 से 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 के पावर 5। ठीक है, मैंने प्राइम फैक्टर कर लिया जो नंबर पूछा है, तो आपका ये जो नंबर हुआ 2 की पावर ये कितना है, 2 की पावर 5 आएगा, ठीक है सर, ठीक है, 3 के पावर यहां से 5 आएगा ये भी ठीक है सर, और 5 के पावर 5 आएगा ये भी ठीक है सर, 2 की पावर कितना है 1 2 3, 2 की पावर 3 है इंटू 3 की पावर कुछ नहीं तो 1 है। आपस में पावर से पावर का मल्टीप्लीकेशन होता है, जैसे मैं ये कहूं कि 2 की पावर 3 की पावर 4 क्या होगा, आप ये जो पावर है वो मल्टीप्लाइड होगा 4 इंटू 3 12, पावर के ऊपर अगर पावर है तो उसका मल्टीप्लीकेशन होता है दोस्तों। अगर मैं 2 की पावर 3 निकाल के उसके पावर 4 करूं या 2 की पावर 12 निकालूं, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो पावर में आपस में क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, पावर के ऊपर अगर पावर है तो अब यहां पे नंबर देखिए कितना आएगा, 2 की पावर 5 इंटू 3 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 5। अब देखिए ये पावर का पावर, 3 को 5 से करेंगे 15 आएगा, मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 5 से 15 इंटू 1 को 5 से करेंगे 5। फिर से देखिए यहां पे 2 की पावर 5 आएगा, 3 की पावर 5 आएगा, 5 की पावर 5 आएगा। अब देखिए 2 कितना है 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। अब इस पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो 3 को 5 से करेंगे 15, 1 को 5 से करेंगे 5। अच्छे बात समझिएगा, अगर बेस सेम है, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 8, अगर बेस सेम है, यहां पे भी 2 है यहां पे भी 2 है, तो आपस में पावर ऐड हो जाते हैं, ये भी लिख लीजिएगा, पावर क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं। अगर बेस सेम है, यहां पे भी 2 का बेस था वहां पे भी 2 का बेस था, इसी से इसी अप्रोच से लिख सकता हूं 3 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 11। देखिए दोनों में बेस सेम है, 3 और 3 एक बेस लिखिए और ये दोनों ऐड कर दीजिए, ऊपर के पावर ऐड हो जाएंगे, लेकिन ये तभी होगा 11 प्लस 9 से 20। दोस्तों ये तभी होगा जब आपका बेस सेम हो, अगर आपके बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, है ना, पावर ऐड हो जाएगा। जैसे यहां पे देखिए ये 2 है ये 2 है, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगा, ये बेस सेम है 3, 3 पे यहां 5 है और यहां पे भी 5 है, पावर ऐड हो जाएगा 5 के पावर 5। ठीक है, ये देखिए 5 और 15 नंबर कितना आ गया, बेस सेम है तो 2 की पावर 20, 5 और 5 10, 3 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 5। इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ये आ गया, आपको यहां पे जो फैक्टर्स निकालने हैं वो प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टर का मतलब क्या हुआ दोस्तों समझिएगा, ये बड़ा अच्छा चीज है प्राइम फैक्टर, बताइए प्राइम फैक्टर क्या होगा, अगर आप सोचें तो बताएं प्राइम फैक्टर क्या होगा, प्राइम फैक्टर क्या होगा बताइए फटाफट, ऐसे नंबर
जो प्राइम हो वो कितने होंगे, प्राइम फैक्टर। तो जो प्राइम फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर जो आपका होगा वो कितना होगा, ये जो पावर है ना, ये पावर है, मतलब ऐसे 20 मिलेंगे और यहां पे 10 मिलेंगे और यहां पे 5 मिलेंगे, जो प्राइम फैक्टर होगा। तो जो प्राइम फैक्टर होगा दोस्तों वो 35 आएगा, आपका जो प्राइम फैक्टर होगा वो 35 आएगा, प्राइम फैक्टर, ठीक है। प्राइम फैक्टर का मतलब ये आपस में मल्टीप्लिकेशन होके अगर 2, 3 से मल्टीप्लाइड हो गया तो 6 आ जाएगा, और 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो आपस में जो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो नंबर पॉसिबिलिटीज बनती है वो तो नहीं होगा, क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो प्राइम फैक्टर चाहिए तो आपको जो पावर दिया है उतने ही नंबर प्राइम होंगे, उतने ही नंबर क्या होंगे, प्राइम होंगे। चलिए आगे बढ़े, ये क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया है, लेट एक्स बी ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, ये यूपीएससी सी सेट में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब वन ऑफ द फैक्टर यहां पे करेक्ट करिएगा, 8 के पावर 2 के दिया है, 8 के पावर 2 के प्लस 5 के पावर 2 के, वन ऑफ द फैक्टर 8 के पावर 2 के प्लस 5 के पावर 2 के, वेयर के इज एन ऑड नंबर, वेयर के इज एन ऑड नंबर। तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बेटा, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसको नोट कर लें सभी लोग। मैंने लिखा a की पावर n माइनस b की पावर n, ये बड़ा काम देने वाला है, जहां आपका a, b और n जो है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, a, b, n, 1, 2, 3, 4, 5 n, और आपका यहां n जो दिया है दोस्तों वो इवेन नंबर है, इवेन नंबर, इवेन नंबर है ना। तो जैसे मैंने लिखा a के पावर n की जगह 2 ले लिया, माइनस b की जगह 2 ले लिया, a के पावर 2 माइनस b की पावर 2 को हम क्या लिखते हैं, a माइनस b, a प्लस b लिख सकते हैं, a के पावर n माइनस b के पावर n, जहां n आपका इवेन है, मैंने इवेन में n को एज्यूम कर लिया 2 है ना, मैंने n को एज्यूम कर लिया 2। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूं क्योंकि सारी पॉसिबिलिटीज ले लेंगे, a के पावर n माइनस b की पावर n, आपका n इसमें क्या है, n आपका अगर इवेन है, इवेन है, आप n यहां पे 2 भी ले सकते हैं, और a b n आपके नेचुरल नंबर है, आपने 2 ले लिया, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a माइनस b और a प्लस b। तो अगर ये केस है a के पावर n माइनस b की पावर n, जहां n इवेन है, तो ये डिविजिबल है, a माइनस b से भी डिविजिबल है, देखिए a माइनस b, a माइनस b से भी डिविजिबल है और a प्लस b से भी डिविजिबल है ना, दोनों से डिविजिबल है। जैसे मैंने लिखा कोई भी नंबर है, जैसे देखिए ये नंबर है आपका नंबर, इसको लिखा 4 × 8 × 12 या ऐसे लिखा 4 × 7 × 11, इसका मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल है, अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये 4 से भी कट जाएगा, 4 × 7 × 11 डिवाइड बाई 7, 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 से भी कट जाएगा, तो ये नंबर 4 से भी डिवाइड है, ये नंबर 7 से भी डिवाइड है। रिमाइंडर थ्योरम में यहां पे क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट हर बार पूछता है, और इस बार मैं थोड़ा लेवल में पढ़ाने जा रहा हूं इस चीज को, ठीक है। तो अगर मैंने लिखा 4 × 7 × 11, अगर मैंने डिवाइड बाई 11 किया तो ये 11 से भी कट गया, अगर कट जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा तो डिविजिबल है, डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर जीरो है। तो यहां पे अगर a माइनस n b की पावर n, n इवेन है, तो दोस्तों डिविजिबल बाई ये a प्लस b मैंने लिखा यहां पे, और मैंने लिखा डिविजिबल बाई a माइनस b, तो ये दोनों से डिविजिबल है, ये a प्लस b से भी डिविजिबल है और a माइनस b से भी डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि यहां दोनों टर्म आ रहा है, देखो a माइनस b भी आ रहा है और a प्लस b भी आ रहा है। तो a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां n इवेन है, यहां पे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये दोनों से डिविजिबल है, a प्लस b से भी डिविजिबल है और a माइनस b से भी डिविजिबल है। इसको नोट करके बनाइएगा दोस्तों, है ना, इसकी सारी चीजों को लिखिए,
ऐसे चार चार टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, मैं एक एक केस चारों बता रहा हूं, चारों केस बता रहा हूं। सेकेंड लिखते हैं, सेकेंड लिखते हैं कि ए के पावर माइनस एन प्लस बी की पावर एन, जहां एन आपका ऑड है, ऑड है, ये किससे डिविजिबल होगा? ए के पावर एन प्लस बी की पावर एन, एन आपका ऑड है, तो ए के पावर ऑड का मतलब मैंने सपोज एन थ्री एज्यूम कर लिया या एन मैंने वन एज्यूम कर लिया, एन वन, एन वन भी तो ऑड है, वन रखेंगे तो ए के पावर वन प्लस बी की पावर वन बराबर ए प्लस बी। देखिए ए प्लस बी आ गया, एन बराबर वन रखने पे ऑड रखा, मैंने एज्यूम किया एन बराबर थ्री। ये मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे मैं ऐसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। आपको एन ऑड दिया है, आपने एन इक्वल टू थ्री रखा, तो यहां पे थ्री रखेंगे तो यह आ जाएगा ए की पावर थ्री प्लस बी की पावर थ्री। ए के पावर थ्री प्लस बी की पावर थ्री क्या होता है? ए प्लस बी अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहां देखिए, अगर पावर वन है तभी भी ए प्लस बी आ रहा है, पावर थ्री है तभी भी ए प्लस बी आएगा, अगर मैं पावर फाइव लूंगा तभी यहां पे भी ए प्लस बी आएगा, और यहां कुछ भी आ सकता है। तो अगर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन है, जहां एन ऑड है, तो हर एक जगह आपको ए प्लस बी मिल रहा है, ए प्लस बी मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी की पावर एन, एन ऑड है, तो ये डिविजिबल बाई ए प्लस बी तो होगा, लेकिन डिविजिबल बाई ए माइनस बी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहां पे सिर्फ ए प्लस बी आ रहा है हर एक टर्म में। देखिए ए प्लस बी डिवाइड कर लेगा, यहां पे भी ए प्लस बी आ रहा है, इसको भी डिवाइड कर लेगा, और यहां पे भी ए प्लस बी आ रहा है। तो ए के पावर एन प्लस बी की पावर एन अगर आपका आ रहा है और एन ऑड है, ये सारा कंडीशन लिखिएगा, तो ये डिवाइड होगा। ठीक है, ऐसे चार केस है, मैं चारों समझा रहा हूं इसको। ठीक है, ये आपका दूसरा केस हो गया। तीसरा, यहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, इसलिए अगर ये आपके चारों केस अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मात्र 30 सेकंड लगेंगे। ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन, जहां एन आपका इवन है, एन इवन है, एन इवन है, मींस ए के पावर टू प्लस बी की पावर टू हो गया, इसका कोई फैक्टर नहीं बनता है दोस्तों, कोई फैक्टर ही नहीं बनेगा। या ए के पावर फोर प्लस बी के पावर फोर, इसके भी कोई फैक्टर नहीं बनते क्योंकि एन इवन है। ए के पावर सिक्स प्लस बी की पावर सिक्स, इसका भी कोई फैक्टर नहीं बनता। तो अगर आपके एन इवन है तो आपका ये फैक्टर में ना तो ए प्लस बी बन रहा है ना तो a माइनस बी बन रहा है। इसका मतलब ये डिविजिबल ना तो a प्लस बी से होगा ना तो a माइनस बी से होगा, क्योंकि इसका कोई फैक्टर ही नहीं बन रहा। अगर ऐसा फैक्टर बनता a प्लस बी या a माइनस बी तब तो डिवाइड होता, यहां पे फैक्टर बन ही नहीं रहा है दोस्तों, तो ये कहां से डिवाइड होगा? तो ये डिवाइड नहीं होगा। अब नेक्स्ट आपका क्या आ गया? a के पावर n, ओबे भाई। चलिए, ये तीन केस मैंने आपको बता दिया था, एक केस और है, ये भी बता दे रहा हूं इस स्लाइड पे, इस पे मैं बता दे रहा हूं, है ना, कि अगर a के पावर n है माइनस b के पावर n है, a के पावर n माइनस b के पावर n है, जहां n आपका क्या है? n आपका इवन है, इवन, ऑड, ऑड है। तो अगर मैं n इक्वल टू वन लिया तो ये आ जाएगा a के पावर n माइनस b के पावर n, तो ये आ जाएगा a माइनस b। ठीक है, n ऑड है, आपने n को 3 एज्यूम कर लिया, तो ये आ जाएगा a के पावर 3 माइनस b की पावर 3, तो ये आ जाएगा a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। हमें वही चेक करना है, डिविजिबल बाय क्या ये a प्लस b है, क्या ये डिविजिबल बाय a माइनस b है। ठीक है, तो a के पावर n माइनस b की पावर n, जहां n ऑड है, देखिए यहां पे क्या मिल रहा है दोस्तों, a माइनस b मिल रहा है, यहां पे भी क्या मिल रहा है, a माइनस b मिल रहा है। अगर a के पावर 5 माइनस b के पावर 5 लेंगे तो भी a माइनस b मिलेगा। तो ये a माइनस b हर एक टर्म में आ रहा है, सो ये a माइनस b से तो डिवाइड होगा लेकिन a प्लस b से डिवाइड नहीं होगा। मैंने आपको सभी केस बता दिए,
मैंने आपको सभी केस बता दिए, चारों केस बता दिए कि अगर a के पावर n प्लस b के पावर n है और n ऑड है तो किससे डिवाइड होगा, क्या वो a प्लस b से डिवाइड होगा, क्या वो a माइनस b से डिवाइड होगा। मैंने सेकेंड केस आपको बताया कि a के पावर n माइनस b के पावर n है और n इवेन है तो क्या किससे डिवाइड होगा, a प्लस b से डिवाइड होगा, a माइनस b से डिवाइड होगा। a के पावर n माइनस b के पावर n है और n ऑड है, मतलब चार केस इसके हैं, मैंने चारों केस बता दिया। और इसका बेसिक सी चीज है, आप n बराबर 1 रख के ऑड की पॉसिबिलिटीज चेक कर लेना, n इक्वल टू 2 रख के इवन वाली पॉसिबिलिटीज चेक कर लेना। अगर उसका मैं फैक्टर करता हूं, उसको मैं अगर फॉर्मूले में तोड़ता हूं, फॉर्मूले में तोड़ने के बाद a माइनस बी आ रहा है तो वो a माइनस बी से डिवाइड होगा, या फॉर्मूले में तोड़ने के बाद a प्लस बी आ रहा है तो वो a प्लस बी से डिवाइड होगा, या फॉर्मूले में तोड़ने के बाद वो a माइनस बी और a प्लस बी दोनों आ रहा है तो वो a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे a के पावर n माइनस बी की पावर n, जहां n इवेन है तो ये दोनों से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इसको अगर मैं ब्रेक करता हूं तो फॉर्मूले में a माइनस बी भी आता है और a प्लस बी भी आता है। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए यहां पे उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम ये सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं, है ना, ये सारे क्वेश्चंस हम उस कॉन्सेप्ट को यूज करके लगाएंगे। आप देखते रहिए, पहला क्वेश्चंस क्या है, पहला क्वेश्चंस कह रहा है कि वन ऑफ द फैक्टर्स 8 के पावर, इसको करेक्ट करिएगा, 8 के पावर 2 के प्लस 5 के पावर 2 के, वन ऑफ द फैक्टर 8 के पावर 2 के प्लस 5 के पावर 2 के, वेयर के इज एन ऑड नंबर इज, है ना, फैक्टर का मतलब डिवाइड कर रहा है, कौन डिवाइड कर रहा है, क्या 86 डिवाइड कर रहा है, क्या 84 डिवाइड कर रहा है, क्या 88 डिवाइड कर रहा है, क्या 89 डिवाइड कर रहा है। अच्छा, मैंने आपको जो भी फॉर्मूला बताया बेटा, a के पावर n प्लस b की पावर n, जहां पे n इवेन हो, या a के पावर n प्लस b की पावर n, n आपका ऑड हो, समझिएगा, या a की पावर n माइनस b की पावर n, आपका n इवेन हो, या a की पावर n माइनस b की पावर n, n आपका ऑड हो। हमेशा बेस क्या होना चाहिए दोस्तों, बेस देखिए, पावर, पावर सेम होना चाहिए, n n, ये दोनों अलग हैं चलेगा, a और b अलग हैं बेस चलेगा, लेकिन यहां पे भी पावर सेम है n और n, यहां पे भी पावर सेम है चलेगा, यहां पे भी पावर सेम है चलेगा। ठीक है, ठीक है, मतलब पावर जो है वो सेम होना चाहिए, यहां पे भी n, 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 यहां पे n, यहां पे n, पावर सेम होना चाहिए। अगर पावर डिफरेंट है, मैंने लिखा 37 के पावर 41 प्लस 39 के पावर 43, अप्लाई नहीं होगा क्योंकि दोनों का पावर अलग है, पावर सेम होना चाहिए। ये चारों चीख चीख के बोल रहे हैं भाई साहब, पावर सेम होना चाहिए तभी हम डिविजिबिलिटी बताएंगे, ऊपर n पावर सेम होना चाहिए। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको क्या मैंने बताया, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 8 के पावर 2 की पावर k प्लस 5 के पावर 2 की पावर k, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, अभी तो आपने बताया कि आपस में पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है, आपस में पावर का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर मैं 2 को k से करूंगा, अगर मैं 2 को k से करूंगा, है ना, 2 को k से करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 2k। अगर मैं 2 को k से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 2k। तो आपस में पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 2 इंटू k के 2k, 2 इंटू k से 2k चलेगा। तो 8 के पावर 2 क्या है दोस्तों, 8 के पावर 2 मींस 8 को दो बार मल्टीप्लाइड करें, 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 से कितना आ जाएगा, 64, 64 के पावर k प्लस 5 के पावर 2 को क्या लिखेंगे, 5 को दो बार मल्टीप्लाइड करें, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 से आ जाएगा 25 के पावर k। अब यहां पे मैच करिए, यहां पे मैच करिए, a के पावर n प्लस b के पावर n, जहां n इज ऑड नंबर, यहां पे आइए, a के पावर n प्लस b के पावर n, n इज ऑड नंबर, किससे डिवाइड होता है, a के पावर n, बताया तो अभी हूं, a के पावर n प्लस b के पावर n,
n इज ऑड नंबर, n की जगह 1 रखिए, तो a की पावर 1 प्लस b की पावर 1 यानी a प्लस b से डिवाइड होगा, a प्लस b से डिवाइड होगा। मैंने चारों केस बता रखे हैं दोस्तों, आप जाके देखिए, ऐसे क्वेश्चन को मात्र आप 30 सेकंड में सॉल्व करेंगे। तो यहां अगर n k ऑड है, k को 1 एज्यूम करिए, k को 3 रखेंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा होगा, आप छोटा नंबर एज्यूम करिए। तो k की जगह अगर मैं 1 रखूंगा तो 64 के पावर 1 प्लस 25 के पावर 1, 64 के पावर 1 से 64, 25 के पावर 1 से 25, तो 60 20 80 89, ये डिविजिबल बाय 89 आ गया, क्योंकि 89 आ गया, जब 89 आ गया तो ये 89 से डिवाइड होगा। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, कुछ नहीं करना है आपको, मैंने चार केस बता दिए। अगर ये चार केस आपने समझ लिया, समझना क्या है, समझ में आ चुका है, कभी भी दिया होगा आपको कहेगा n odd है, n बराबर 1 एज्यूम कर लेना, n even है, n बराबर 2 एज्यूम कर लेना, उसके बाद फैक्टर बनाना। अगर फैक्टर में a प्लस बी वाले आ रहे हैं तो वो डिवाइड बाई a प्लस बी होगा, या फैक्टर करने के बाद अगर वो a माइनस बी आ रहा है तो डिवाइड बाई a माइनस बी होगा, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या आता है, क्या आता है, चलिए जवाब दीजिएगा। What is the remainder? Remainder पूछ रहा है, when 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 इज डिविजिबल बाई 32। What is the remainder? 127 की पावर 27, समझिएगा ये कौन सा केस बन रहा है, ये बन रहा है a पावर n प्लस, यहां पर देखिए प्लस है, b पावर n, ये केस बन रहा है, a के पावर n प्लस b के पावर n का, और n यहां पे 97 है, यहां पे n आपका ऑड है, n आपका क्या है, ऑड है, n आपका क्या है, ऑड। ये कौन सा केस बन गया दोस्तों, ये केस बन गया a के पावर n प्लस, यहां देखिए प्लस बीच में है, यहां पे भी प्लस है, यहां पे बेस a अलग है, b अलग है, पावर 97 है, पावर 97 है मतलब पावर ऑड है, पावर ऑड होता है n बराबर 1 एज्यूम कर लो, तो a के पावर n प्लस b के पावर n, मतलब ये डिवाइड होगा a प्लस b से, पक्का सर, डिविजिबल बाय क्या होगा, a प्लस b से होगा, डिविजिबल बाय क्या होगा, a प्लस b से, ये पूरा का पूरा टर्म डिवाइड होगा, और यहां a की जगह क्या है दोस्तों, a की जगह है 127 और b की जगह क्या है, b की जगह यहां पे है 97, तो a प्लस b कितना आएगा, a प्लस b 127 प्लस 97, 127 प्लस 97, तो ये आ जाएगा 120 और 90 है ना, 120 और 80 90, 210, 77 जब 4 112, 224 आ रहा है, ये आ गया 224, ये डिविजिबल बाय 32 है, डिविजिबल बाय 32 है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको फटाफट 32 से इसको डिवाइड कर देना है। देखिए 224 क्या आ रहा है, 687, 7 में करिए, 7 में 7 टू जा 4 124, करेक्ट, यहां पे डिविजिबल आ गया, रिमाइंडर 0, मतलब ये पूरा का पूरा टर्न 224 से डिवाइड है, और 32 क्या है, 224 से छोटा है, तो आप 30 को 224 से डिवाइड कर दें, इसको लिख सकते हैं ना, 224 को लिख सकते हैं 7 into 32, लिख सकते हैं 7 into 32 करेंगे तो 224 आ गया। और अगर मैं अगेन 32 से डिवाइड करूं, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इसको 32 से डिवाइड करिए, तो 32 से डिवाइड करने के बाद ये कट गया, और कटने का मतलब रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि ये पूरी तरीके से क्या है, डिविजिबल है, कटने के बाद ये क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि ये पूरी तरीके से क्या है, डिविजिबल है। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं, प्लीज कमेंट करके बताइए दोस्तों, क्या ये बातें समझ में आ रही हैं। अच्छा ये क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ना, ये मैं दो या तीन काम आपको दे रहा हूं, आपको फटाफट बताना है, ठीक है, ये दो या तीन काम मैंने आपको दिया है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है, नोट्स भी बताना है, ठीक है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 576 के पावर 273
माइनस 412 के पावर 273 इज डिविजिबल बाय 86. व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन? केस समझिएगा, यहां पे ये a है, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, a के पावर n माइनस b की पावर, यहां पे n है, a के पावर n माइनस b के पावर n आ गया. यहां पे n आपका क्या है दोस्तों, 273. n आपका ऑड है, n आपका ऑड है 273. अब जाइए n बराबर ऑड में देखिए किससे डिवाइड होता है, n बराबर ऑड में देखिए ये किससे डिवाइड होता है और रिमाइंडर निकालिए. इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जरूर देना है, मैं देखूंगा कौन कौन जवाब दे रहा है. प्रॉपर नोट्स बनाइए, मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि सी सेट में आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आप सी सेट के पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि इस बार जो कंटेंट का लेवल है वो भी तगड़ा रखा जा रहा है, बिल्कुल सी सेट के लेवल को मैच करता हुआ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे सारे टॉपिक पे, ठीक है. इससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो स्टार्टिंग बिल्कुल एनसीईआरटी से हो, तो ये ऑफर आपके लिए बहुत बेहतरीन सा ऑफर है, जिसमें हम एनसीईआरटी बैच पढ़ाएंगे, सी सेट पढ़ाएंगे, अग्निपथ का जो आपका कॉम्प्रिहेंशन बैच चल रहा है वो सब चलेगा, सब इंक्लूड है. आपको कोड क्या अप्लाई करना है, आपको कोड अप्लाई करना है IA10, IA10 कोड अप्लाई करिए, जिससे ये आपको प्राइस 11,999 रुपए में पड़ेगा, जिसमें आपको एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा, जीएस फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, मेंस के चारों पेपर, आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज, मेंस का टेस्ट सीरीज, और इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर के द्वारा दोस्तों, इंडिया के जो टॉप एजुकेटर है उनके द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है. आप फटाफट जाइए, ये बैच प्राइस जल्दी खत्म होने वाला है, प्राइस इंक्रीज होने वाला है. आपको इनरोल करने के लिए एक बार मैं फिर से कोड लिख दे रहा हूं, कोड आपको IA10 ही लगाना है, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले. नेक्स्ट, इसलिए बेटा ये प्राइस देखिए, ये बैच अब इनरोल होना बंद हो चुका होगा, अगर हो रहा है तो आप IA10 लगाइए और अग्निपथ बैच लीजिए IA10 सिर्फ 7,999 रुपए में, जिसमें 900 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, सी सेट, जीएस फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, मेंस के चारों जीएस पेपर पढ़ाए जाएंगे. दोस्तों आप चाहते हैं कि सिर्फ आपको एनसीईआरटी बैच चाहिए, तो आप सिर्फ एनसीईआरटी बैच ले सकते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी बैच ले सकते हैं, जिसमें हमारे इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर आपको सिर्फ एनसीईआरटी बैच पढ़ाएंगे. जब आप कोड IA10 डालेंगे तो ये बैच आपको 4,999 रुपए में पड़ेगा, और कोड जो आपको अप्लाई करना है वो IA10 कोड अप्लाई करना है. इसके साथ अगर आप सी सेट करना चाहते हैं, सी सेट करना चाहते हैं मेरे द्वारा, बिल्कुल करिए, स्वागत है आपका. कोड क्या लगाना है, IA10 लगाना है. 170 आवर्स के क्लासेज हैं, जिसमें हम सी सेट के सारे सेगमेंट्स यानी मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, DI DS बिल्कुल कवर करने वाले हैं. 4 महीने में ये पढ़ाया जाएगा, 3 से 4 महीने में, जहां पे आपको हर एक क्लास के बाद DPPs, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट, ये सब कुछ दिए जाएंगे दोस्तों. और बदलता हुआ जो पैटर्न है, जहां पे आपका नंबर सिस्टम का वेटेज ज्यादा है, जहां पे आपके परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल बदलते हुए ट्रेंड पे ये सी सेट का कोर्स है, आप इसको जरूर लें, और अभी से स्टार्ट हो रहा है, और इसको फटाफट लीजिए, अदरवाइज ये प्राइस 5,000 का होने वाला है, और कोड IA10 अप्लाई करिए, ठीक है. अगर आपने टेस्ट सीरीज लेना है प्रीलिम्स का, लीजिए भाई, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोड IA10 लगाना है, जिसमें 24 सेक्शनल जीएस टेस्ट है, 8 फुल लेंथ जीएस टेस्ट है, ठीक है, सी सेट का. इसी तरह आप मेंस के भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, मेंस के टेस्ट सीरीज लेने के लिए भी आपको कोड IA10 लगाना है, जहां पे आपको 100% सिलेबस कवरेज है, आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी, सब कुछ होगा. ये हमारी पाथफाइंडर की बेस्ट टीम है, और आपकी डिमांड पे अग्निपथ हिंदी मीडियम में स्टार्ट हो रहा है, वो भी स्टार्ट हो रहा है 15 जुलाई से बैच स्टार्ट है, जहां पे 900 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेज है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबके लिए पढ़ाया जाएगा दोस्तों, आपको सी सेट के लिए भी पढ़ाया जाएगा. इसको फटाफट इनरोल करें, और कोड IA10, ये कोड याद रखिएगा दोस्तों, IA10 कोड डाल के फटाफट सब्सक्रिप्शन लें. चलिए, अगर आपने मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन करें, जहां पे आपको क्लास का नोट्स, PDF, क्लास की अपडेट सब कुछ मिलेगी. और चैनल को लाइक नहीं किया है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, सेशन को शेयर जरूर करें. थैंक यू दोस्तों.